सर बजट 2 है, टाइम 5 है। जॉब कब आ रही है? सर 1-2 पे आ रही है, 2 यूनिट के लिए। सर 12 पे 2 यूनिट के लिए, 19 पे 1 यूनिट के लिए। एक यूनिट D1 है, एक यूनिट। कूलिंग सर्वर का रूल ये होता है कि जैसे ही बजट रिलीज होगा, अगर कोई एक प्रोजेक्ट जो पेंडिंग है तो बजट को सर्व करेगा, अगर एक प्रोजेक्ट जो पेंडिंग नहीं है तो बजट क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। क्योंकि टाइम जीरो पे पहले कोई एक प्रोजेक्ट जो पेंडिंग नहीं है, इसलिए ये बजट क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसने एक यूनिट चल रही है, इसने कितनी यूनिट चल रहा है? 2। ठीक है, एक चलने के बाद जॉब आ गई है, लेकिन ये जॉब सर क्योंकि बजट क्या है नहीं है, इसलिए 2 यूनिट चल रही है। 2 यूनिट चलने के बाद ये वाला यूनिट खाली रहेगा, आइडल रहेगा, नहीं चल सकता, फिर आपके पास ये जॉब आ गई। ठीक है, इसने कितनी यूनिट चल रहा है? 1 यूनिट। एक यूनिट आएगा, अब ऑब्वियसली आपका बजट आ गया। बजट कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। और जॉब कितने यूनिट की? 2 यूनिट का सर्व कर, तो मतलब ये 2 यूनिट चलेगा, 2 यूनिट बजट क्या हो जाएगा? ठीक है, सही है। उसके बाद ये जॉब रिलीज हो गई है, इसमें कितने यूनिट चल रहा है? एक यूनिट चलेगा, प्रेमशन आ जाएगी, हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया, इसमें एक यूनिट चलाया, उसके बाद ये प्रायोरिटी जॉब भी। अब जॉब आ गई है लेकिन बजट नहीं है, तो ये इसको रन नहीं करेगा, इसलिए ये अपना दूसरा यूनिट जाकर कंप्लीट करेगा। बजट आया, जॉब है, जॉब कितने यूनिट की है? 1 यूनिट की। बजट कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। जॉब एक यूनिट सर्व करके क्या सर्व करता है, बजट क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, आपकी टास्क रिलीज होगा यहाँ पे, इसलिए कितने यूनिट चल रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक जॉब नहीं है, 2 यूनिट कर गया, बजट चल गया, ये चल गया, यहाँ से यहाँ तक सिस्टम आइडल रहेगा, जॉब आ गई, एक यूनिट इसने रन किया, जॉब आई लेकिन बजट नहीं है, नहीं है क्योंकि बजट डिस्कार्ड हो गया, बजट नहीं है, अभी अगले बजट में सर्व होगा। ये आ गया यहाँ पे, इसमें कितने यूनिट चल रहे हैं? 2 यूनिट के लिए। तो ये 2 यूनिट यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बजट आ गया और जॉब भी आ गई, बजट कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। एक यूनिट चलेगा, प्रेमशन आ गया, हाई प्रायोरिटी टास्क चलेगा, और एक यूनिट क्या चलेगा? दोबारा ये चलेगा। समझ आ रही है सबको, इसलिए एक यूनिट चलेगा।
डिटेन हो गए यहाँ पे सर, प्रीएम्प्शन की वजह से डिस्कार्ड नहीं हुआ। बजट आया, दो यूनिट पेंडिंग है, इसे दो यूनिट देने हैं। एक यूनिट चलाने के बाद एक हाई प्रायोरिटी टास्क आते हैं, उसमें इसको प्रीएम्प्ट करेगा, इसलिए एक यूनिट रन करेगा, एक यूनिट ये रिटेन करेगा, फिर एक यूनिट दोबारा रिज्यूम करेगा। एक यूनिट यूज किया, ये इधर रिटेन किया, ठीक है। ये जॉब आगे इसमें कितने यूनिट चल रहा है? दो। तो यहाँ पे जॉब आगे लेकिन बजट नहीं है, दो यूनिट ये चलेगा, ये एक यूनिट चलेगा, ये आ गया बजट। और यहाँ पे जॉब कितने यूनिट की है? देखो बजट यहाँ का है, ठीक है, और यहाँ पे जॉब है, तो सही है सर, सही है। तो यहाँ पे बजट आ गया है ना, और यहाँ पे जॉब भी है, इसका मतलब ये जॉब सिर्फ इसलिए रन नहीं कर रही क्योंकि हाई प्रायोरिटी टास्क रन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये जॉब यहाँ पे बजट आने के बाद रिटेन रहे, समझ आ गई। और फिर ये एक यूनिट क्या होगा, रन करेगा, और एक यूनिट क्या हो जाएगा, समझ आइए। तो इसलिए यहाँ पे एक यूनिट ड्यूरिंग प्रीएम्प्शन रिटेन रहेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देंगे। देखो यहाँ पे जॉब आ गई थी, जॉब है, ये इसने रन किया, अब देखो बजट भी आ गया, बजट भी है, जॉब भी है, लेकिन ये रन नहीं कर सकता क्योंकि हाइब्रिड टास्क रन कर रहा है, इसलिए ये रिटेन करेगा, फिर ये अपने आप को यूज करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, वैसे ही चलो।